भाई सर्दियां आ चुकी हैं और हर घर में चाय के पतीले चढ़ चुके हैं। अब बहुत सारी दफा तो ऐसा होता है कि चाय के पतीले हमारे घर वालों की वजह से चढ़े हुए होते हैं, क्योंकि सबका दिल चाह रहा होता है चाय दे दो, चाय दे दो, चाय दे दो, चाय दे दो। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत ही मुफ्त खोरे किस्म के लोग होते हैं जो चाय मांगते रहते हैं। अगर आप भी शुमार भी आपका उन्हीं लोगों में होता है जो हर किसी के घर में जाके चाय 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 करते रहते हैं, हाय हेलो बाद में करते हैं, चाय 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 करके घुस जाते हैं और दूसरों के जाते हैं इसीलिए क्योंकि आपके गैस नहीं आ रही होती और दूसरों के चाय बन जाती है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप किसी के घर चाय पीने जाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुफ्त की चाय पीने वालों के लिए, और बहुत सारे लोग जब चले जाते हैं तो खवातीन अमूमन चाय की प्याली में थोड़ी सी चाय निकाल के पहले उसको चखती हैं और फिर बची हुई चाय वापस डाल के सारे कपों में मिला देती हैं और उससे उन्हें अंदाजा हो जाता है कि चीनी कितनी है। तो मैं खाली अब आपको चाय पीने का दिल नहीं चाह रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर आप सोचें कि नहीं सादा चाय नहीं, हम तो इलायची वाली चाय पीते हैं, तो आपको ये बताती चलूँ कि इलायची वाली चाय आप पीने से पहले याद रखिएगा कि खवातीन जो है हमेशा दांतों से और मुंह से इलायची खोल के डालती हैं। तो अब आपको इलायची वाली चाय पीने का भी दिल नहीं चाह रहा होगा। अब आप सोचेंगे सादी नहीं पी रहे, कुछ नहीं पी रहे, चलो उबले अंडे तो हो जाने चाहिए साथ। तो भाई उबले अंडों का मैं बता दूँ कि बहुत सी खवातीन जो कि गैस कम आ रही है तो अपनी मेहनत बचाने के लिए ऐसा करती हैं कि चाय के पानी में ही अंडे डाल देती हैं और उसी में अंडे उबाल लेती हैं, चाय भी उबल जाती है, अंडे भी उबल जाते हैं, आपको उबले अंडे खाने को मिल जाते हैं और लोग समझते हैं कि हमने कम गैस के अंदर डबल काम कर लिया। तो मेरा ख्याल है आप किसी के घर जाके आप बेहुदा तरीके से और मुफ्त के उबले अंडे और चाय नहीं मांगेंगे। फिर भी अगर आपको चाय का शौक है, आप कहेंगे हम तो इलायची ढीटों की ढीट है और कहते हैं इलायची वाली भी नहीं पी रहे, अंडे भी नहीं चाहिए, सादा भी नहीं चाहिए, हम तो गुड़ की चाय पीते हैं, गुड़ की चाय, यू नो ब्राउन शुगर, हेल्थ कॉन्शियस पीपल है ना, देसी कॉले इंग्रेज है ना, देसी घी के पराठे खा के फिर कहते हैं हम तो ब्राउन शुगर यूज़ करते हैं। उसके लिए मैं आपको बताती चलूँ कि हमारी खवातीन को कुदरत ने बहुत सफ़ेद सफ़ेद मोती जैसे दांत दिए हैं जो कि मुँह के अंदर है। तो जब आप गुड़ वाली चाय मांगते किसी के घर जाके बेहुदा तरीके से, तो खवातीन अपने मुंह से गुड़ तोड़ के और बाद अवकात दांतों के उस पार भी खाई के अंदर गुड़ गिर जाता है जिसको निकाल के वो चाय में डालती हैं, उसकी फैटी लगाती हैं और उसके बाद वो आपकी चाय वो जो है आपको मिल जाती है गुड़ वाली। तो मेरा ख्याल है कि अब आप चीनी वाली चाय हो या गुड़ वाली चाय हो, इलायची वाली हो या उबले अंडों के साथ हो, आपका कहीं भी जाकर मुफ्त की चाय पीने का दिल नहीं चाहेगा। अपने घर से चाय पी पा के जाए, बेगम से कहे वरना चुप करके बैठ जाए।